नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार और ये है भेड़ाघाट। जबलपुर से 25 या 26 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत अच्छा देखने लायक पर्यटन स्थल है। अगर कभी मौका मिले तो एक बार यहाँ घूमने ज़रूर जाना। यहाँ पर दूर दूर से सैलानी घूमने को आते हैं, एक बहुत ही भव्य और सुंदर नज़ारे को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर है एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल जो नर्मदा जी के ऊपर नेचुरल तरीके से बना हुआ है। और सरकार ने भी यहाँ पर सैलानियों की सुविधा के लिए हर तरीके की सुविधा दी है। देखिए, इसके साथ साथ यहाँ पर पर्यटन स्थल है और जो वहाँ के रहवासी हैं उनके लिए भी एक अच्छा रोज़गार का अवसर है। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि सैलानी जहाँ से गुजरते हैं वहाँ आसपास में दुकानें खुली हुई हैं, बहुत सारे होटल हैं। देखिए, छोटे छोटे धंधे वाले देसी तरीके से कैसे भुट्टे को भून रहा है। तो ये है, यही वो जगह है नर्मदा का किनारा। और नर्मदा जी जो हैं इनका उद्गम स्थल है अमरकंटक। ये अमरकंटक से निकलकर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच से घुमावदार रास्तों से कहीं कहीं पर समतल मैदानों से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा ये नज़ारा। नर्मदा जी अमरकंटक से निकलकर जलबाग मंदिर, माई की बगिया, सोन मोड़ा, प्राचीन मंदिर, जैन मंदिर, दूध की धारा, इन सब के पास से गुजरती हैं। और ये सब जो स्थल हैं पर्यटन स्थल हैं और देखने लायक हैं। ये देखिए, लोग अपनी रोजी रोटी इसी के सहारे कमाते हैं। और जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, सरकार ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। ट्रॉली ऊपर चलते हुए देख रहे हैं आप, ये है रोपवे। इसका टिकट 200 रुपये के करीब है। और क्योंकि जो मैं वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल जिसे धुआंधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब पानी ऊपर से गिरता है तो दूर से ही आपको देखने को लगेगा कि बहुत ऊंचाई तक धुआं उठ रहा है, पानी की वो उठती हैं, भाप सी उसमें से निकलती हैं और बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। और इस रोपवे में बैठकर जब लोग सैलानी देखते हैं तो नज़ारा ही देखने लायक बनता है। दोस्तों, बहुत सुंदर जगह है। जीवन में कभी अगर आपको समय मिले तो एक बार ज़रूर देखने जाना। और दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना, आपको आनंद आएगा। घूमने नहीं गए तो क्या हुआ, हम लोग वीडियो वहाँ से बना कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, नर्मदा जी दूर से बहती आ रही हैं, कल कल करता पानी एविरल और निरंतर बहते हुए। और दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा था, ये है वो वाटरफॉल। ये कई तरफ से मैंने शूट किया है कि चारों तरफ से आपको शूट करके दिखाऊं कैसा लगेगा। ये देखिए कैसे भाप उठ रही पानी में, सेम ऐसे ही आपको दूर से दिखाई पड़ जाएगा। और यहाँ पर दूर दूर से सैलानी इस सब नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। नर्मदा जी के बारे में कहा जाता है कि नर्मदा जी जो है वो कुंवारी हैं और अभी तक भी कुंवारी हैं। इनकी बहुत मान्यता है, जैसे गंगा जी की मान्यता है, यहाँ पर नर्मदा जी की भी इतनी ही मान्यता है। ये देखिए, शायद वीडियो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फिर आगे मैं आपके लिए
थोड़ा अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर पोस्ट करूँ, मेरा हौसला अफजाई करना, आपको आनंद आएगा ये वीडियो देखकर। तो ये जो जगह है बहुत ही सुंदर जगह है, भेड़ाघाट। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, हरी भरी वादियों के बीच में बसा ये छोटा सा कस्बा जबलपुर से 25 या 26 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे हजारों हजारों साल पुराने प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। उनकी नक्काशी, उनका नज़ारा आप देखकर अचंभित रह जाएंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था, वो राधा रानी का मंदिर था, 1300 वर्ष पुराना मंदिर। ये देखिए दोस्तों, है ना मज़ेदार वीडियो, और आपको आनंद आएगा देखकर। और अगर आप यहाँ देखने पहुँच जाते हैं, वीडियो में देखकर जब आपको इतना आनंद आ रहा है, तो वहाँ जाने पर तो आपको कितना आनंद आएगा सोचो ज़रा। ये देखिए ऊपर से ये रोपवे गया हुआ है, और ये सैलानी इस दृश्य का आनंद लेते हुए, बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों। ऐसे ही कटीले पहाड़ हैं जिनके बीच से नर्मदा जी कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि 100-100 फीट गहराई नीचे से बह रही है, और एक नर्मदा जी हैं जो उल्टी दिशा में बहती हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, कोई भी नदी जो है ना वो सीधी दिशा में बहती हैं, लेकिन नर्मदा जी उल्टी दिशा में बह रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों आपको, जब भी जीवन में कभी आपको लगे कि घूमने जाना है, तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। नर्मदा जी जो हैं उनसे आशीर्वाद लेना। ये मध्य प्रदेश में है, पहले भी जैसा कि मैंने आपको बताया है, जबलपुर से 25 या 26 किलोमीटर की दूरी पर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है भेड़ाघाट, वहाँ पर हर तरह की प्राचीन मूर्तियाँ, और इसी नदी में नर्मदा जी में नेचुरल शिवलिंग बनते हैं, जो इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। ये देखिए ये नेचुरल बना हुआ वाटरफॉल है। वैसे तो बहुत सारे डैम देखे होंगे आपने बहते हुए, लेकिन नहीं, उनसे ज़्यादा आनंद यहाँ पर आपको मिलेगा। और साथ साथ नर्मदा जी में नहाएंगे उसका भी आनंद अलग है, क्योंकि यहीं पर आगे चलकर इससे भेड़ाघाट में नर्मदा जी का घाट बना हुआ है। ये देख वीडियो में यहाँ जहाँ से बह रही ना, इधर राइट साइड में आपको दिखेगा, वो दूर देखो, ये देखिए ये नीचे घाट बना हुआ है, बड़ा ही सुंदर नज़ारा। कम से कम अगर आप ऊपर से उतरेंगे तो 100 या 150 फीट आपको नीचे जाना पड़ेगा, तब जाकर आप नर्मदा जी में स्नान करेंगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देखा है नहाते हुए, नर्मदा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। मुझे तो बड़ा आनंद आया दोस्तों, देखिए दूर दूर तक फैली हरियाली। ये देखिए शायद जितना आनंद मुझे आया है, आप लोगों को भी इतना आनंद आएगा। और जब भी समय मिले तो एक बार जरूर देखने जाना दोस्तों। धन्यवाद, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।